नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। अनार के पेड़ पर अंगूर की बेल चढ़ाओगे तो जालीदार टोपी हर हाल में उलझेगी, या यूं कहे कि वो पूरी तरह उलझ चुकी है। इमरान लोंडे ने इस्लामाबाद में मंदिर बनाने का ऐलान क्या किया? कंगाल मुल्क की फटीचर मुल्ला जमात में ऐसा हड़कंप मचा कि इन्होंने ईंट से ईंट बजा दी। वैसे भी इस देश में पिछवाड़ा उठाने गिराने से ज्यादा दूसरा काम रह भी नहीं गया है, इसलिए कृष्ण मंदिर की ईंटों पर ही अपनी कंगाली का गुस्सा उतारा गया। पर इसी बीच पाकिस्तान में मुस्लिमों के एक शीर्ष संगठन ने इस्लामाबाद में पहले हिंदू मंदिर का निर्माण का समर्थन करके तस्री मटकाऊ टोपीबाजों में खलबली मचा दी है। पाकिस्तान उलेमा काउंसिल ने कहा है कि इस्लामाबाद में भव्य मंदिर का निर्माण होना चाहिए। 1947 में बंटवारे के वक्त कभी इस मुल्क में 428 मंदिर हुआ करते थे, आज 408 मंदिरों में गोश्त की दुकानें और मदरसे खुल गए हैं। ले देकर 20 मंदिर ही बाकी बचे हैं, जिनमें खैबर पख्तूनख्वा में 2, सिंध में 11, पंजाब में 4 और बलूचिस्तान में 3 मंदिर ही चालू स्थिति में है। इसके मुकाबले भारत के शहरों में मस्जिदों की संख्या कई गुना बढ़ गई है, यानी जहां जहां ये लोग बढ़े हैं वहां दूसरे धर्मावलंबियों के धार्मिक स्थलों को नष्ट कर दिया गया। हैरानी की बात यह है कि हिंदुस्तान में बाबरी मुसीबत खत्म होते वक्त पाकिस्तान में 100 से ज्यादा मंदिर सुहा कर दिए गए। यहां केवल मंदिर ही नहीं ढाए गए बल्कि सिखों के धार्मिक स्थलों को तोड़कर गोश्त की दुकानें खोल दी गई। एबटाबाद में सिखों के गुरुद्वारे के स्थान पर एक मुल्ला कपड़े की दुकान चला रहा है। इस मामले में यकीनन इमरान को दाद देनी पड़ेगी, जो उन्होंने कट्टरपंथियों की परवाह न करते हुए सराहनीय पहल की है। वे पाकिस्तान के इतिहास के पहले पीएम हैं जिन्होंने अहमदिया समुदाय और हिंदुओं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण दिखाया है। पर दिक्कत यह है कि पेड़ पर चढ़ा मुल्ला और अंडों की रखवाली करती टटीरी का स्वभाव एक जैसा होता है, एक की बांग दूसरे की चहचाट सिर का दर्द बढ़ाती है। इसलिए इमरान के साथ पूरा पाकिस्तान तहमत में बाम लपेट कर घूम रहा है, क्योंकि तसरीफ को 90 डिग्री घुमाने में माहिर है मुल्ला, 360 डिग्री घुमा बैठे तो बाकी के 20 मंदिर में भी गोश्त की दुकानें खुल सकती है। शायद यही वजह है कि पाकिस्तान में रहने वाले 14,98,000 हिंदुओं के लिए मात्र 20 मंदिर ही बचे हैं। इससे यह भी साबित होता है कि पाक की यह कौम दूसरे धर्मावलंबियों के लिए कितनी सेकुलर है। पाकिस्तान उलेमा काउंसिल के चेयरमैन मोहम्मद ताहिर महसूद ने कट्टरपंथी मुल्लाओं के तहमत जरूर खींचे हैं, पर उन्हें नहीं भूलना चाहिए कि इस देश की अर्थव्यवस्था तहमत बाजार पर ही निर्भर है। यहाँ शेयर बाजार के इंडेक्स की बजाय तहमत बाजारों के रुझानों पर ज्यादा मत्थापच्ची होती है, इसलिए तैमन छाप फिर नए तैमन के साथ मैदान में आ जाएंगे। यह इन मेहंदी पोत मुल्लाओं की कारस्तानी है, जो आजादी के वक्त 24% हिंदू थे, आज वे 2% रह गए हैं। अब हालत यह है कि इस्लामाबाद में कृष्ण मंदिर को लेकर मामला दुनिया भर की सुर्खियों में आ गया है। इससे जहां पाकिस्तान के टोपीबाजों की सच्चाई दुनिया को पता चल रही है, वहीं इमरान लोंडा भी मुसीबत में गिरता जा रहा है। इमरान पर एक साथ दो तरफा दबाव पड़ रहा है, इधर कट्टरपंथी तहमत उछाल रहे हैं, दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया उनकी सलवार उतार रही है। स्थिति यह है कि लोंडा समझ नहीं पा रहा है कि करे तो क्या करे। पाकिस्तान उलेमा काउंसिल के समर्थन के बाद इमरान का मनोबल जरूर बढ़ा होगा, पर लगता यूं है कि पाक की मदरसा पैदाइश इतनी आसानी से लाइन पर आने वाली नहीं है। उन्हें इस कृष्ण मंदिर निर्माण में भी कहीं ना कहीं मोदी नजर आ रहा है। जब से ले में पीएम मोदी कृष्ण की बांसुरी और सुदर्शन चक्र का जिक्र करके आए हैं, इन मुल्लाओं का संदेह और पुख्ता हुआ है। इन्हें लगता है अगर इस्लामाबाद में सुदर्शनधारी कृष्ण का मंदिर बन गया तो मोदी कभी भी उनकी तशरीफ काट कर ले जा सकते हैं। जिस टोपीबाज ने कृष्ण मंदिर की नींव उखाड़ कर वहां बांग लगाई थी, वह कोरोना पॉजिटिव हो चुका है। हुर मिलन के लिए वह अपने फेफड़ों से द्वंद कर रहा है। बांग की तो छोड़िए, वह ढंग से सांस लेने की स्थिति में नहीं है, यानी उसकी बांग कोई करिश्मा नहीं दिखा सकी, जबकि कृष्ण का सुदूर चक्र अपना काम कर गया। पाकिस्तान के दूसरे प्रधानमंत्री ख्वाजा नजीबुद्दीन ने एक बात कही थी कि मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि मजहब किसी व्यक्ति का निजी मामला है, और न इस बात से ही सहमत हूं कि एक इस्लामिक स्टेट में किसी व्यक्ति को समान अधिकार मिले, चाहे उसका धर्म, जाति या यकीन कुछ भी हो। उनकी इसी बात से समझा जा सकता है कि मुल्ला कौम वाला यह देश अल्पसंख्यकों के लिए कितना खतरनाक है। यह देश ही क्यों, जहां जहां यह नस्ल है वहीं पर यही हालत है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।